हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियो अपलोड हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस बेल आइकन यानी कि इस घंटी को आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, हर किसी के अपने ही कायदे कानून हैं। इन कानूनों को ना तोड़ने पर सजा का प्रावधान भी है। कोई ऐसी भी है जहां कुछ चीजों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है जो सच में हैरान करने वाली है। केवल हमारे ही देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में तरह तरह के चीजों पर पाबंदी है। आज हम आपको ऐसे बैन हुए चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अजीबोगरीब है। जापान में मोटापा गैर कानूनी है। जापान में मोटा होना अवैध है। हालांकि जापान में दुनिया भर को मोटे लोगों को सुमो कुश्ती से प्रचलित कर पाया है, लेकिन वर्ष 2009 में कानून निर्माताओं ने पेट के आकार को सीमित कर दिया था। इसके तहत 40 साल से अधिक उम्र वाले पुरुषों का पेट 31 इंच और महिला का 35 इंच ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाल खड़ा करने पर रोक, यह रोक ईरान में है। ईरानी युवक इन दिनों लोकप्रिय स्पाइली हेयर कट यानी कि बालों को खड़ा करने वाले हेयर स्टाइल के अलावा पेनीटेल और टैटू भी नहीं बनवा सकते। इनका मानना है कि ऐसे हेयर स्टाइल शैतान की पूजा और समलौकिक व्यवहार को दर्शाती है। माथे पर त्योरी चढ़ाना, इटली के महानगर मिलान में माथे पर त्योरी चढ़ाने पर सख्त मनाही है। यहाँ चेहरे पर हर समय स्माइल होना बहुत ही जरूरी है। केवल अस्पताल और शोक सभा में ऐसा न करने की छूट है। इस नियम को तोड़ने पर जुर्माना लग सकता है। फ्लश पर पाबंदी, स्विट्जरलैंड में किसी भी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रात के 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश करना मना है। वहाँ की सरकार इसे ध्वनि प्रदूषण मानती है। वैसे यह रोक सच में हैरान करने वाली है। समोसे पर रोक, सोमालिया में जाकर आप टेस्टी समोसा नहीं खा सकते। यहाँ पर टेंगल सीप की एक टेस्टी समोसे पर रोक इसलिए है क्योंकि इसकी आकृति इस्लाइयों के पवित्र टेंगल जैसे है। इसे पकाने खाने खरीदने पर सजा हो सकती है। जॉगिंग पर पाबंदी, बरंडी के राष्ट्रपति ने 2014 में जॉगिंग करने पर यह रोक लगा दी कि समाज विरोधी गतिविधियां छिपाने के लिए यह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि सामूहिक में जॉगिंग करने वाले कई सदस्यों को जेल में भी डाल दिया गया है। वीडियो गेम पर पाबंदी, ग्रीस में वर्ष 2002 में सरकार ने गैर कानूनी रूप से जुआ खेलने वाले पर काबू पाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर की मदद से खेली जाने वाली गेम पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके तहत वीडियो गेम खेलना भी अवैध है।